हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे। सो सुबह सुबह उदित दुआ सर का मैंने एक ट्वीट देखा, जिस ट्वीट में, और आप सबको पता है उदित सर सीएस के बहुत जाने माने टीचर भी हैं, और बच्चों के लिए, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा जागरूक करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं। तो उदित दुआ सर के का ट्विटर मैंने चेक किया और सर ने ट्वीट किया कि चेतना शर्मा नाम की जो स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम का प्रेशर जो है, उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाई और कि इस चीज़ के चलते उनकी मृत्यु हुई। और सर ने आप सबको एक सजेशन भी दिया है कि डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर हेल्थ, और हेल्थ जो है आपकी लाइफ से बड़ी नहीं है। सो बच्चों, आपको पता होगा, और इत्तेफाक देखिए, ये चीज़ मुझे आज सुबह सुबह पता चली, और कल रात को मेरा जो आखिरी वीडियो था, कल अगर आप रात को देखें, कल रात का जो आखिरी वीडियो था, 9 जून का लास्ट वीडियो जो था, वो सेम इसी चीज़ के ऊपर मैंने 10 मिनट का वीडियो बनाया था। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, वो वीडियो बनाने के पहले मैंने कम से कम 4 स्टूडेंट से बात की, और 4 में से 1 वॉज माई पेड स्टूडेंट, 3 वर फ्रॉम अदर क्लासेस। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि पेड था? मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एज अ टीचर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एवरी स्टूडेंट हु इज़ डूइंग सी एस, मैं उसके फ़ोन उठाऊँ, मैं उससे बात करूँ। और बच्चों, ये 4 स्टूडेंट के साथ लगभग मैंने 15 मिनट बात की, और एक के साथ मैंने 23 मिनट बात की, ही वॉज फ्रॉम कोलकाता, ठीक है। और इन चारों से मैं एक ही चीज़ बात कर रहा था बिकॉज, और ये चारों कहीं ना कहीं देवर लाइक थोड़े से परेशान थे कि एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए, एंड देवर लाइक वेरी कन्फ्यूज, एंड वन वॉज लाइक कि सर मैं तो सोच रहा हूँ कि जीवन ही खत्म कर लूँ। सो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, एंड आई बिलीव दिस इज़ नॉट सुसाइड, दिस इज़ सम हार्ट, मतलब मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता कि मौत की वजह क्या है, बट दिस इज़ नॉट सुसाइड, लेट मी क्लैरिफाई। सो दो तीन चीज़ें हैं बच्चों कि ये आई बिलीव दिस इज़ कार्डियक अरेस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ बच्चों, मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है, मैंने मेरी सर से ही बात नहीं हो पाई, सर को मैंने फ़ोन किया था बट किसी कारणवश फ़ोन लगा नहीं। तो बच्चों मैं आपसे एक ही चीज़ की गुजारिश करता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस कोर्स ने आपको एफर्ट लेना सिखा दिया, हार्डवर्क करना सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया यार। टीचर्स आपके ऊपर पूरी मेहनत करते हैं, शिद्दत से काम करते हैं, नहीं निकला तो नहीं निकला यार, सीएस नहीं बन पाए, लाइफ थोड़ी ना ख़त्म हो गई। और सबसे पहले यार मैं एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा हार्ट को स्ट्रॉन्ग करो यार। और ये मोबाइल फ़ोन, इस मोबाइल फ़ोन में हम हमेशा, मैं कई बार बता चुका हूँ कि प्लीज़ ये मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना अवॉइड करो यार। तुम इंस्टाग्राम पे देखते हो, तुम यूट्यूब पे देखते हो, तुम दुनिया पे सबको देखते हो, और प्लीज़ हम टीचर से अपने आप को बिल्कुल कंपेयर मत करो यार। हम लोग मतलब कि उस टीचर के पास ये, मेरे पास भी ये होगा बच्चों, हम टीचर्स के पास बहुत कष्ट भी हैं। और अगर हमारे पास, हम सीएस हैं यार, हम 12-13 साल से हम पढ़ा रहे हैं यार, तो थोड़े बहुत पैसे हमने कमाए हैं, डेफिनेटली कमाए, तो बट आप कंपेयर मत कीजिए यार, तुम्हारी लाइफ होगी, तुम हमसे ज़्यादा कमाओगे, और हमने भी कुछ झंडे नहीं गाड़े यार, मैं जितना कमाता हूँ मेरे से कई ज़्यादा मेरी एज के कंपनी सेक्रेटरीज कमा रहे हैं। तो कंपेयर मत करो कि मुझसे कंपेयर करो, कई लोग तो विराट कोहली से कंपेयर कर रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, कई लोगों को सीएस के साथ साथ यूट्यूबर बने। अरे प्लीज़ आप अच्छे स्टूडेंट बनो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, और मेहनत करने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद मत सोचो यार रिजल्ट क्या। और प्लीज़ मैं आप सबसे एक ही चीज़ की गुजारिश करता हूँ, हेल्थ को इग्नोर मत करो, क्योंकि अभी जिस लेवल पे स्ट्रेस है, हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो हमारे पास मोबाइल नहीं होता था, तो हम लोग अपने दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारते थे, क्योंकि हमारे पास और कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं था, किसी को कॉल नहीं कर सकते थे क्योंकि 1 रुपये प्रति मिनट का लगता था। आजकल ना हम लोगों की दुनिया सिकुड़ती जा रही है, ऑनलाइन क्लासेस है, मोबाइल में लगे रहते हैं पागलों टाइप, गेम खेलना, ये करना, वो करना, पढ़ाई करना, कमरे के बाहर नहीं निकलना, मम्मी पापा से बात नहीं करना, फ्रेंड से बात नहीं करना। तो दो चीज़ें याद रखिए यार, फेस टू फेस क्लासेस के लिए आ सकते हैं तो आइए, नहीं आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मोबाइल से दूर रहिए, अपने टीचर से इंटरेक्ट कीजिए, कुछ दोस्त वगैरह हैं, दोस्त नहीं है तो ठीक है, दोस्त नहीं है मैं तो बोलता हूँ कम दोस्त है तो भी अच्छे, बट अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट कीजिए, परेशानी शेयर कीजिए। और मेरा नंबर तो आप सबके पास है, 4x8=30, 4x6, तो प्लीज़ मुझे कॉल कर दीजिए, अगर मैं कॉल नहीं उठा पाता तो व्हाट्सएप करके अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए, डेफिनेटली वी विल कम विद सम सोल्यूशन। और बच्चों हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए, एक अच्छा जिम ज्वाइन कीजिए, कम से कम आधा घंटा एक घंटा आप अगर जिम करते हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा, आप सबको पता है जब आप जिम करते हैं तो अपने ब्रेन से एक हैप्पीनेस मसल रिलीज होता है, वो वही मसल है जो ड्रग्स लेने पर रिलीज होता है, ड्रग्स मत लो बट ब्रेन से हैप्पीनेस मसल रिलीज होता है जिसके कारण काफ़ी स्ट्रेस खत्म होता है, ठीक है। और कभी भी ना हम लोग क्या सोचते हैं ना कि एग्जाम के टाइम पर सारी पढ़ाई कर लेंगे, ऐसा मत करो, शुरू से पढ़ाई करो। और दिस लेडी, दिस गर्ल, मैंने इनके बारे में थोड़ी सी इंक्वायरी की तो मुझे समझ में आया, इनके दो ग्रुप्स फाइनल के ऑलरेडी क्लियर थे, सिर्फ एक ग्रुप बचा था,
देन मेरी एक स्टूडेंट थी, उनका भाई सीए था और वो 21 की एज में सीए बना, सीए का रिजल्ट आया, 21 या 22 की एज में सीए बन गया, सीए का रिजल्ट आया, उस दिन वो इतना खुश हो गया कि उसको हार्ट अटैक आ गया। सो प्लीज़ यार बच्चों, ज़िंदगी बहुत बड़ी है यार, सीएस आपकी लाइफ नहीं है, लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है यार। सीएस नहीं बन पाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा करोगे, पकोड़े भी बेचोगे ना तो भी हज़ारों और लाखों रुपए महीने कमाओगे, क्योंकि तुम सबसे अच्छे पकोड़े बनाओगे, तुम सुबह 4 बजे से उठ के पकोड़े की दुकान खोल लोगे। मतलब यू कैन डू एनी थिंग यार, यू कैन डू एनी थिंग यार, कोई लाइफ में टेंशन मत लो, खुश रहो यार। और मैं हूँ सुपान सर, है मेरे पार्टनर, उनका नंबर है 4x8136555, आप उनको कॉल करो अगर मेरे से बात नहीं हो पाती। वी ऑल आर देयर फॉर यू बच्चों, और हम नहीं उठा पाते फ़ोन तो व्हाट्सएप कीजिए बच्चों, बट हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं बच्चों। हमारे साथ शेयर कीजिए क्या प्रॉब्लम है, हम भी आपके बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं बच्चों। तो शेयर विद अस ऑल द थिंग्स बच्चों, ऑल द एग्नीज इन योर लाइफ बच्चों, बट बी हैप्पी, थोड़ा सा खुश रहिए बच्चों, ज़िंदगी को ईजी रखिए, कंपैरिजन मत कीजिए, हर आदमी का अपना टाइम आता है। और प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिए जो मैंने कल एक डाला था, कल का वीडियो ज़रूर देखिए, उससे आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, बट दिस शुड नॉट हैपन बच्चों। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।